दुनी परी, यही है उस भूकंप का केंद्र बिंदु। वे और उसके साथी यही भारत नगर के नीचे अपनी गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं। पालवीर, अब हम क्या करेंगे? लगता है मुझे खुद ही पाताल लोक में जाना पड़ेगा। आप यहाँ पर रहकर मेरा इंतजार कीजिएगा, और अगर कुछ समय बाद मैं वापस नहीं आया तो माँ और परियों के साथ पाताल लोक में हमला कर दीजिए। ठीक है पालवीर। लग गया है। अरे कवच बनाने के बाद भी बालवीर को भनक लग गई। बालवीर से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम बालवीर के हाथों खुद ही रंगे हाथों पकड़े जाए। ये क्या प्लान है या पहेली है? इस हथौड़े की मदद से किसकी दीवार पर कील टोकना चाहते हो तुम लोग? हम तो बस ये चेस। I guess you got it wrong, पालवी। क्योंकि इस हैमर से हम तुम्हारी कॉफिन पर आखिरी कील ठोकेंगे। मेरे प्यारे रे, अगर पहाड़ को तोड़ना चाहते हो तो हथौड़ा नहीं, घर से परमाणु बम लेकर निकलना चाहिए। हाँ बालवीर, लेकिन तुम्हारे भारत नगर में भूचाल लाने के लिए यह हथौड़ा ही काफी है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक ऐसा भूचाल लाऊंगा जिसके नीचे तुम सब दब कर मर जाओगे। बनी परी, हमने सही समय पर रे और भयमार की योजना को नाकाम कर दिया। सच? इसका मतलब है कि विवान और भारत नगर के सारे लोग नया साल निश्चिंत होकर मना सकते हैं। हाँ ध्वनि परी। अब महान बालवीर को लग रहा होगा कि हमेशा की तरह आने से पहले ही मुसीबत को टाल दिया। लेकिन फैक्ट तो ये है कि मुसीबत अभी तक शुरू ही नहीं हुई, क्योंकि जो मुसीबत हम भारत नगर पर भेजने वाले हैं
वो तो अर्थ के कोर से निकल कर आएगी। आखिर तुम दोनों ने मुझसे छल कपट करना सीख ही लिया। बकुम शबाश। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। ये लो। ये क्या है? ये चेतावनी यंत्र है। जब तक हम इस ज्वालामुखी को सक्रिय कर रहे हैं, तुम इसे लेके भारत नगर जाओ और विवान और बालवीर पे नजर रखना। और अगर बालवीर एंड कंपनी में से कोई भी आने की कोशिश करे तो गिव अस अ कॉल। मतलब बजाना। बजाता हूँ, बजाता हूँ। अभी नहीं, जब कोई खतरा हो तब बजाना। बजाने भी नहीं देते। अरे बहू, मुझे पता नहीं था कि कुकिंग के अलावा तुम में डांसिंग का भी इतना बढ़िया टैलेंट है। अरे पापा जी, ये तो मुझे भी नहीं पता था। पर मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ कैसे। माँ, मुझे लगता है ना कि बालवीर ने जरूर कोई मैजिक यूज किया होगा उस बाइकर को सबक सिखाने के लिए। अरे विवान, बोलो नहीं सुनो पापा जी, ये सही कह रहे हैं, ऐसे ही हुआ होगा, वरना मैं तो टेंशन में आ गई थी, कहीं दाल में तड़का मारते वक्त मुझे डांस का अटैक आ जाता तो। अरे फिकर नॉट माम, दादाजी अभी आप लोग घर जाकर रेस्ट कीजिए, मैं तब तक जरा न्यू ईयर की प्रिपरेशन चेक करके आता हूँ। This is not good. अगर इस वॉल्केनो के ऊपर से प्रेशर रिलीज नहीं हुआ तो इस जमीन के अंदर ही फट जाएगा। जो आग से खेलते हैं उन्हें जलने की चिंता नहीं करनी चाहिए रे। जलने का खतरा ही तो है जो आग के खेल को इतना मजेदार बनाता है। यस, अब जैसे ही ये चट्टान टूटेगी भारत नगर में आएगी कयामत। ये क्या लिखा है? विवान इज अ लूजर। क्योंकि आज के कॉम्पिटिशन का जड़ तो हम सबको पहले से ही मालूम है विवान। तो हमने सोचा कि क्यों ना सेलिब्रेशन अभी से शुरू कर दी जाए। हेलो, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में अंतर होता है कजिन जिया। जैसे उस खरगोश में ओवर कॉन्फिडेंस था। खरगोश? कहाँ है खरगोश? भारत नगर में खरगोश आया है? ओ चिंटू, कछुए और खरगोश की स्टोरी वाला खरगोश। तुम्हारी टीम की स्पिरिट स्ट्रांग है विवान, इसलिए तो तुम्हें हराने के बाद तुम्हारी पूरी पलटन का हेड चीफ करेंगे और पूरे भारत नगर में परेड लगाएंगे। क्या मजा आएगा।
बागबान तू जीत तो जाएगा ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई मुझे टकली सुतली बुलाए। फिकर ना टकली, मेरा मतलब सुतली, डांस कंपटीशन मैं ही जीतूंगा, ट्रस्ट मी। ना ही मैं तुम लोगों की नाक कटने दूंगा और ना ही बाल। नहीं मैं तुम लोगों की नाक कटने दूंगा और ना ही बाल। यस, अब मुझे डांस की प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं हार गया तो मेरे साथ साथ मेरी पलटन भी हार जाएगी और उनके बाल। मैं इस चुलबुल बुलबुलों की शीशी को सेफली रूम में रख कर आता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि माँ के बाद अब दादाजी कथकली करने लग जाए। नहीं, और वैसे भी अब एक ही डोज बाकी है मेरे पास। हे विवान, अब क्या है? जाओ एक लास्ट टाइम अपने बालों को मिरर में देख लो, और हो सके ना तो सेल्फी भी ले लो, बिकॉज कल से तुम्हारा फेस छिले हुए आलू की तरह दिखाई देगा। इतना भी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो जिया, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि डांस कॉम्पिटिशन के बाद ये चांद मेरे सर पे निकलने के बदले तुम्हारे ही सर पर निकल आए। ओ कम ऑन विवान, मैं कहा नेशनल लेवल की डांसर और तुम लोकल गली के, मुझे हरा पाओगे? माना कि तुम्हारे पास डांसिंग स्किल्स है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मेरे पास मैजिकल बिल्स हो। सो बाय नेशनल लेवल के नाच। ऑर्गेनिक शैम्पू लगा लगा कर अपने बालों को इतने मेहनत से बड़ा किया, और अगर यही नहीं रहेंगे तो मैं कैसा दिखूंगा? बिल्कुल वैसे ही दिखोगे जैसे बिना सूंड का हाथी, बिना पूंछ का बंदर, बिना चोंच का तोता। तुम कौन हो? तुम्हारा बिखरता हुआ कॉन्फिडेंस। आखिरी बार ना अपने सिल्की बालों पर हाथ फेर लो, क्योंकि आगे से तो यहाँ पे प्लेन मैदान ही दिखने वाला है। लो, कंट्रोल विमान कंट्रोल। अपने नेगेटिव सोच की बात मत सुन, अगर दिमाग में ही हार जाएगा तो डांस फ्लोर पे क्या जीतेगा? पॉजिटिव टॉक्स। गेट आउट, गेट आउट वीक विमान, गेट आउट। सारा भारत नगर छान मारा, पर ये बालवीर और विवान कहीं नहीं मिले। अब ये बस विवान का घर ही बचा है, यही ढूंढता हूँ मैं। अब कहाँ जाओगे तुम बच के? ये तो कुकर की सीटी है। क्या बढ़िया खुशबू आ रही है, लगता है करुणा जी ने स्वादिष्ट व्यंजन बनाया, जरा चख लूं तो। कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? नहीं नहीं नहीं
माफ कर दो, माफ कर दो। ये कुकर की सीटी नहीं, मेरे बैड लक की सीटी थी। अब तो मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पाऊंगा, और मेरे पास चुलबुल बुलबुलों का सिर्फ एक ही डोज बाकी है। ये जिया तो इतनी अच्छी डांसर है कि मैं कोई भी चांस नहीं ले सकता, और मेरे लिए सिर्फ एक ही बार की प्रैक्टिस काफी नहीं होती। सो इसलिए अब मैं उस आखिरी डोज को सीधा कॉम्पिटिशन के वक्त ही यूज करूंगा। Yeah, boy. There you go. रे, मुझे नहीं लगता हमें अब इस हथौड़े की जरूरत है, क्योंकि ये पिघलते हुए लावे की गर्मी से ये चट्टान अपने आप पिघल जाएगी। Yes, you're right. क्योंकि अब ये वोल्केनो एक टाइम बॉम्ब की तरह है, और जैसे ये चट्टान पिघलेगी इस वोल्केनो में ब्लास्ट होगा और ये लावा पूरे भारत नगर को निकल जाएगा। विवान बेटा, करुणा बाबू, खुशी बेटा, अरे सब लोग तैयार हो ना पार्टी में जाने के लिए। हम तैयार हैं दादाजी। पता नहीं, ये दिसंबर का महीना चल रहा है मगर मुझे मई महीने जितनी गर्मी हो रही है। अरे दादाजी, शायद आपने जैकेट पहना है ना इसलिए। हाँ, हो सकता है। वैसे दादाजी, मुझे भी थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही है। चलिए, सब रेडी हो गए। ये देखो, बहू को भी गर्मी हो रही है। हाँ? हाँ, अब शायद हम बाहर जाएंगे तो अच्छा लगेगा, ठंडक होगी ना बाहर। हाँ हाँ, चलो चलो, वैसे भी पार्टी शुरू ही होने वाली है। हाँ। ये विवान कहाँ है? हमेशा की तरह विवान सबसे ज्यादा टाइम लगा रहे तैयार होने में। अरे चिंता मत कीजिए, मैं विवान को लेकर आता हूँ, आप सब बाहर जाइए। हाँ, चलिए, चलो, चलो। देवू भैया, विवान को लेके जल्दी आना। हाँ, अरे हाँ, तू चल। सो माय डियर फैमिली, आप लोग भारत नगर के डांसिंग स्टार विवान को अपना कीमती वोट देने के लिए तैयार हैं? फैमिली तो चलेगी विवान, तुम्हारा इंतजार करते करते। अरे कितना टाइम लगाते हो तुम मेकअप करने में? भैया, सलमान भाई ने कहा कि हमारा काम हमारी पर्सनालिटी को शोभा देता है। सो अब अगर मैं डांसिंग स्टार हूँ तो थोड़ा टाइम तो लगाऊंगा ही ना। ठीक है, ठीक। शूज क्यों नहीं पहने? भैया, क्योंकि एक काम बाकी है। ये विवान, ये द्रव्य तो ज्वाला परी ने तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए दिया था ना? फिर हाँ, आई नो भैया, लेकिन मैं प्रैक्टिस ही कहाँ कर पाया, और बिना प्रैक्टिस के अगर मैं जिया से कंपटीशन करूंगा ना तो मेरी हार तो पक्की है। लेकिन विवान, ये ठीक नहीं है। भैया, मेरे कारण मेरी पलटन को अपना मुंडन करवाना पड़ेगा, ये भी तो सही नहीं होगा ना। इसलिए मैं इस मैजिक का यूज अपने लिए नहीं, अपनी पलटन के लिए कर रहा हूँ। सो प्लीज अंडरस्टैंड। पर ठीक है, ठीक है, जाओ शूज पहन करो। ओके। विवान में अभी भी बचपना है, मैं उसे जादू शक्तियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने नहीं दे सकता। हाँ, लेट्स रॉक देम। चलो। कोई मेरा दर्द तो बांट लो, कोई मुझसे तो पूछ लो कि मुझे किसने मारा है। किसने मारा? जूतों नहीं, जूतों से मारा है। Be grateful कि जूतों नहीं मारा है। और इस बार बालवीर को हमने ऐसा चकमा दिया है कि उसे भनक तक नहीं लगी, और हम भारत नगर की चिता में आग लगा कर आ गए। अब बस थोड़ी देर और, फिर होगा कबूम। नीचे कबूम और ऊपर बालवीर की मौत की धूम।
अगर आप लोगों की योजना इतनी ठोस थी तो मुझे मुझे धरती पर क्यों भेजा? जूते खाने है? वरना तुम हमारा सर खाते जैसे अभी खा रहे हो। सर खाता हूँ, सर खाता हूँ, जैसे मैं ही हमेशा सबका सर खाता हूँ। ए चुप। वो देखो ज्वालामुखी के ऊपर की चट्टान पिघलने लगी है, बस कुछ देर और फिर निकलेगा जमीन से लावा। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला संदीप, अचानक मौसम इतना गर्म कैसे हो गया? हेलो हेलो, आइए आइए, नमस्ते, वेलकम वेलकम, हेलो हेलो। हाँ ये तो पिघल गया। हाँ, पिघल गया पूरा को पूरा, मेकअप पिघल गया। बोलो मेकअप नहीं, मैं आइसक्रीम की बात कर रही हूँ। ले आपको आइसक्रीम की पड़ी है क्या पद्मिनी बहन? अरे आइसक्रीम की नहीं, मुझे गर्मी की पड़ी है, बढ़ती जा रही है। इसको खाऊं कि पीऊं? एक पी लो, मुड़े मान के। दिसंबर जैसे सर्द मौसम में इतनी गर्मी लगना कोई आम बात नहीं है, ऊपर से तापमान बढ़ता ही जा रहा है। फिर ये ट्रॉफी हमारी। अरे आओ आओ आओ, कहाँ है तुम्हारा हीरो? डर गया क्या? कौन डरेगा और कौन जीत हासिल करेगा ये तो कुछ ही मोमेंट्स में पता चल जाएगा। शो विवान, शो, आई एम रेडी, आर यू? Yes. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.